ऋषभ पंत की कप्तानी पारी पर उर्वशी रौतेला ने दिया है चौंकाने वाला बयान। कुछ दिनों पहले ऋषभ पंत को लेकर उर्वशी रौतेला ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने पंत के लिए मन्नतें भी मांगी थी। अब उर्वशी रौतेला ने पंत को लेकर जो कहा है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं उर्वशी रौतेला ने पंत के बारे में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, जब से ऋषभ पंत ने वापसी की है क्रिकेट में, तब से उनके नाम की चर्चा काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले उर्वशी रौतेला ने एक बयान दिया था कि वो ऋषभ पंत के लिए मन्नत मांगी थी और उनकी मन्नत को भगवान ने माना भी। ऋषभ पंत ने मैदान पर वापसी की और क्या ताबड़तोड़ वापसी की है। आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने कप्तानी पारी खेली। पहले तो उन्होंने लाजवाब कप्तानी करते हुए अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को 200 रनों के भीतर ही रोक दिया। लखनऊ ने 167 रन बनाए थे और इस टारगेट का जवाब देते हुए ऋषभ पंत ने जो तूफानी पारी खेली, आज उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। पंत ने मात्र 24 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 41 रन ठोंक दिए। उन्होंने 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी लगाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 170 से भी ज्यादा का रहा। पंत की कप्तानी पारी की हर जगह तारीफ हो रही है और इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के अफेयर की अफवाह तो आपको पता ही है। इन दोनों के बीच आए दिनों कुछ न कुछ होता ही रहता है और अब उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पंत की बल्लेबाजी पर दिल्ली जीत गई। हम दिल्ली को सपोर्ट कर रहे थे, ये हमारी टीम है। हम चाहते हैं कि इस बार हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे और केवल सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे, खिताब अपने नाम करे। और जब तक ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, तब तक ये संभव नहीं हो पाता। हमने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि वो अच्छी पारी खेले, वो अच्छा कमबैक करें। उन्होंने वैसा ही किया है। वो एक शानदार खिलाड़ी हैं, वो एक अच्छे विकेट कीपर हैं। उनको इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देखना काफी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में भी काफी सुधार आए, क्योंकि वो टीम इंडिया के फ्यूचर हैं और हमारे भी। दोस्तों, उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को लेकर जो बड़ी बात कही है, जो चौंकाने वाला बयान दिया है, सच में उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उर्वशी रौतेला ने अपने बयान में ये कह दिया है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के फ्यूचर हैं और उनके भी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत की कप्तानी में इस बार दिल्ली कैपिटल्स चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।